नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो किडनी रिजेक्शन को लेकर के हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी हम कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण हमारी जो किडनी है वो रिजेक्ट हो जाती है, और किडनी रिजेक्शन के बाद में हमारी जो स्थिति है ना पहले की तरह ही खराब हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं वो आज इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा भाई। अगर दोस्तों आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपकी किडनी रिजेक्शन का जो रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ना इन गलतियों को कभी भी दोहराना नहीं है। अगर जाने अनजाने में हमसे ये गलतियाँ हो गई है तो उनको हमें दोबारा नहीं दोहराना है। तो दोस्तों वह गलतियाँ कौन कौन सी हैं अगर उनकी हम बात करें तो जिसके अंदर जो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है, तो दोस्तों जब हमारा किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है और ट्रांसप्लांट करने वाली जो टीम होती है ना उसके अंदर दो डॉक्टर मैन होते हैं भाई। एक तो हमारा सर्जन होता है और एक हमारा फिजिशियन होता है। ये दोनों मिल करके ट्रांसप्लांट हमारा करते हैं, और हमारा जब तक हम हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो उस टाइम तक हमारी देख रेख का काम होता है किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन का। और जब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जब नेक्स्ट फॉलोअप के लिए बोलते हैं तो उसके बाद में हमारा जो फॉलोअप है ना वो फिजिशियन के साथ होना चाहिए भाई, सर्जन ना। क्योंकि दोस्तों जो नेफ्रोलॉजिस्ट सर्जन है उसका काम केवल हमारी बॉडी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करने का होता है, उसके होता है आगे का काम एक फिजिशियन का होता है। और फिजिशियन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें मेडिसिन के अंदर कितनी डोज देनी है और कितनी नहीं देनी है, इसके बारे में मेजरमेंट करने का काम केवल फिजिशियन का होता है। तो इसलिए हमें तो दोस्तों बहुत से पेशेंट है ना ये गलती करते हैं कि अपना जो फॉलोअप है ना ट्रांसप्लांट सर्जन के साथ रखते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। और अगर कोई कर रहा है तो इसको बार बार दोहरानी नहीं है भाई। आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशियन से अपना जो है फॉलोअप करना है और उन्हीं के संपर्क में रह करके अपना जो आगे का ट्रीटमेंट है ना वो रेगुलर रखना है। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरी बड़ी गलती है वो है मेडिसिन। देखिए बहुत से ऐसे भाई हैं जो मेडिसिन को ना कई बार स्किप कर देते हैं, लेना बंद कर देते हैं, या फिर उसके टाइम में ना गैप देना शुरू कर देते हैं। ये हमें अपनी मर्जी से कभी भी नहीं करना भाई। जैसे हमारा ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांट के बाद हमें जब डिस्चार्ज किया जाता है ना तो उस टाइम पर बारीकी से हमें इन बातों के बारे में ना बोला जाता है, हमें किन किन चीज़ों से परहेज रखना है, क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ पीनी है, क्या नहीं खानी है, इनके बारे में ना बिल्कुल डिटेल से हमें बताया जाता है। और मेडिसिन के बारे में ख़ास तौर पर हमें बताया जाता है कि भाई मेडिसिन का जो टाइम जिस डॉक्टर ने जो टाइम डिसाइड करती है ना उस टाइम पर ही हमें अपनी मेडिसिन रेगुलर रखनी है, अपनी मर्जी से ना ही तो कम करनी है, ना ही ज़्यादा करनी है, ना ही उस टाइम को आगे पीछे करना है। ये अगर आपको कोई किसी तरह की कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से बोल करके उसके बारे में डिस्कस करके अपना जो टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, अदरवाइज हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं। अब पीछे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भाई एक भाई हमारे रोपड़ पंजाब से, उन्होंने ना उनकी जो किडनी ट्रांसप्लांट को ना 22 साल हो चुके थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, और उन्होंने ना मेडिसिन लेना बंद कर दिया भाई, और कुछ ही टाइम के बाद 2 से 3 महीने के बाद ही उनकी जो किडनी है वो रिजेक्ट हो गई। और अभी वो डायलिसिस के ऊपर हैं, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। अभी के टाइम में उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, और ट्रांसप्लांट के लिए कोई डोनर नहीं मिल रहा है, और कैडेवर के अंदर उन्होंने ना अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है, और ये तो किस्मत की बात है कि भाई उनको डोनर कब मिलेगा। जब तक डोनर नहीं मिलता है तब तक उन्हें डायलिसिस के ऊपर अपनी जो लाइफ है ना वो बितानी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी है भाई, अपनी मर्जी से ना ही तो मेडिसिन को छोड़ना है, ना ही उसका टाइम के अंदर कोई गैप लेकर के आना है, ना ही कभी स्किप करनी है भाई, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो तीसरी गलती है, पानी कम पीना। देखिए दोस्तों किडनी रिजेक्शन का ना डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज से 2 साल पहले
एक भाई हिसार का एक भाई था जिसने अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था मोहाली में ही, और उसने ना पानी बहुत ही कम पिया भाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया तो घर पर जब वो आ गया था तो उसके बाद उसने ना 1 लीटर से ज़्यादा कभी पानी ही नहीं पिया भाई। 1 से 1.5 महीने के बाद ना उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, और डॉक्टरों ने जब बायोप्सी की और उसके अच्छे से चेकअप किए सभी, तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई डिहाइड्रेशन के कारण ना किडनी ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद वो डायलिसिस पे चले गए, और डायलिसिस के दौरान 2 से 3 महीने के बाद ही उनकी जो है डेथ हो गई थी भाई। तो दोस्तों ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं दोहरानी है। डॉक्टर जैसे हमें बोलते हैं ना भाई 4 से 5 लीटर पानी पीना है, तो इतना पानी तो हमें पीना ही पीना है भाई। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपका यूरिन बिल्कुल साफ आ रहा है, तो आप 2.5-3 लीटर जरूर, 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिए। इसके बारे में डॉक्टर भी हमें बार बार बोलते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो फोर्थ है वो है टैग लेवल। दोस्तों बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो टैग लेवल को टाइम पर नहीं करवाते हैं। मैंने देखा है कि 6-6 महीने 8-8 महीने तक टैग लेवल नहीं करवाते हैं। नॉर्मली क्या होता है ट्रांसप्लांट के बाद तो जल्दी जल्दी हमारे टेस्ट होते हैं, टैग लेवल जल्दी जल्दी करा करके डॉक्टर देखते हैं, और जब थोड़ा टाइम बीत जाता है 1 साल जब हमें हो जाती है तो उसके बाद में 3 महीने का टाइम देते हैं हमें। 3 महीने में एक बार हमें टैग लेवल करवाना होता है, उसके बाद में 6 महीने में एक बार करवाना होता है। तो 6 महीने में तो हमें ना टैग लेवल करवाना ही होता है, चाहे ट्रांसप्लांट को कितना ही टाइम हो गया हो। क्योंकि दोस्तों ये जो टेस्ट है ना, इसी के साथ हमारी मेडिसिन चलती है भाई। टैग लेवल अगर कम हो गया तो रिजेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, अगर टैग लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये एक निश्चित लेवल के अंदर होना चाहिए, और इसी के लेवल के अनुसार हमारी जो टैक्रोल्यूमस की मेडिसिन है उसको डॉक्टर सेट करते हैं, हमारी बॉडी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, वेट के हिसाब से ये जो डोज है वो दी जाती है। और इसका पता लगाने के लिए ही डॉक्टर टैग लेवल करवा के देखते हैं कि भाई हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर मेडिसिन जो ड्रग्स है उसका लेवल क्या चल रहा है, उसी के अनुसार हमारी जो है टैक्रोल्यूमस मेडिसिन चलती है। तो इसको भी हमें ना टाइम टू टाइम करवाना चाहिए भाई। अभी हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने ना 8-10 महीने तक टैग लेवल नहीं करवाया, और अभी उन्होंने जब पीछे टैग लेवल करवाया तो उनका जो टैग लेवल है ना वो 2 आया था भाई। तो 2 आने के बाद में डॉक्टरों ने ना उनकी मेडिसिन की जो डोज है ना वो बढ़ा दी भाई। तो उन्होंने पूछा कि भाई पहले मेरी मेडिसिन तो इतनी कभी नहीं चली थी, अभी इतनी बढ़ा करके आप क्यों दे रहे हैं। तो उस टाइम डॉक्टर ने बताया था कि भाई अगर आप टाइम टू टाइम टैग लेवल करवाएंगे तो आपको ये नौबत नहीं आएगी, अगर आप इस तरह से चलेंगे ना तो आपकी किडनी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जैसे टैग लेवल 2 आया हुआ है, अगर थोड़ा बहुत और टाइम बीत जाता ना तो दोस्तों ये किडनी ना रिजेक्शन के अंदर चली जाती। तो दोस्तों इसको एक लेवल के अंदर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी डॉक्टर हमें बोलते हैं ना तो उस टाइम पर हमें टैग लेवल करवाना चाहिए, और उसी टाइम पर हमें फॉलोअप के लिए जाना भी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां हैं जिसको हम जाने अनजाने में ना दोहराते रहते हैं, और अगर ये गलतियां हम दोहरा रहे हैं ना तो हम अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे हैं भाई। क्योंकि इन गलतियों के कारण हमारी जो किडनी के अंदर रिजेक्शन होने का जो रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें डॉक्टर के कहे अनुसार टाइम टू टाइम फॉलोअप के लिए जाना है, टाइम टू टाइम अपने चेकअप करवाने हैं, टाइम टू टाइम अपने अपना जो टैग लेवल करवाना है, पूरे दिन के अंदर 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है, मेडिसिन अपनी मर्जी से स्किप नहीं करनी है, अपनी मर्जी से कम ज़्यादा नहीं करनी है, डॉक्टर के कहे अनुसार हमें लेनी है। दोस्तों इसके अलावा डेली कम से कम 40 से 45 मिनट की एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ऐड कर लेते हैं तो आपकी जो ट्रांसप्लांट लाइफ है ना वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी विचार है, कोई भी सलाह है जो आप, तो दोस्तों आज की वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।